वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये होने वाला है एक हेयर मास्क का वीडियो। आज मैं आपके साथ एक हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जिसके लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है जो कि हर किसी के किचन में बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। एंड क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, इस टाइम पे हमारे बालों को केयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा हेयरफॉल इस टाइम पे होता है। तो आप घर के बने हुए हेयर मास्क ट्राई कीजिए क्योंकि ये आपके बालों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम अपनी देखरेख में इन्हें बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें किन दो चीजों की जरूरत है, किस तरीके से हमें ये हेयर मास्क बनाना है, अप्लाई करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली चीज हमें चाहिए वो है शहद। मैं पतंजलि वाला शहद यहाँ पे ले रही हूँ, आप कोई भी शहद ले सकते हैं। एंड हमें चाहिए एक बाउल और एक स्पून जो मास्क हम बनाएंगे उन्हें अच्छे से मिक्स करने के लिए। और हमें चाहिए दही, ये मैं घर का दही ले रही हूँ, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 स्पून दही लिया था। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप दही लीजिएगा। मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो मैंने ज़्यादा लिया है, अगर आपके मुझसे भी लंबे हैं तो आप और ज़्यादा लीजिएगा। तो अब हम इसमें हनी ऐड कर लेते हैं। जितना हमने दही लिया है उसका हाफ हमें यहाँ पे हनी ऐड करना है। मैंने 4 चम्मच दही लिया तो मैं 2 चम्मच इसमें हनी ऐड करूँगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जितना दही है उसका आधा आपको हनी लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शहद ऐड करेंगे तो बाल ना चिपचिपे हो जाते हैं। अब अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो अब इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं। वैसे मेरे बालों में इस टाइम पे अभी काफ़ी सारा ऑयल लगा हुआ है, तो अगर आपके बालों में भी ऑयल लगा हुआ है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और नहीं लगा हुआ है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्कैल्प में इसे अच्छे से लगा लूँगी। मुझे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बिकॉज मेरे बाल थोड़े से बड़े हैं, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं दही के फ़ायदे की। तो दही हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दही में कैल्शियम के अलावा विटामिन B5, D, मिनरल, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है। इन सभी गुणों के दही में मौजूद होने के कारण इनसे बालों की देखभाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। दही बालों से ड्राइनेस और डलनेस दूर करता है, उनमें एक नई जान डालता है, बालों को शाइनी और स्मूथ भी बनाता है। दही से बालों को पोषण भी मिलता है, और इसके अलावा दही नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। उसी तरीके से शहद भी हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। शहद जो है बालों को झड़ने से रोकता है। हेयर ग्रोथ के लिए भी शहद काफ़ी अच्छा होता है। शहद में कई ऐसे मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं जो बालों को कंडिश्ड और हेल्दी रखते हैं। शहद में बालों को पोषण देने वाले कई ऐसे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सो अभी मैंने इसे अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। आपको कम से कम 30 मिनट्स तक इसे अपने बालों में रखना है। अभी मैं यहाँ पे एक जूड़ा बना रही हूँ। 30 मिनट्स के बाद आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसे अपने बालों को वॉश कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप कंडिशनर का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हमने दही और शहद का यूज़ किया है जो कि नेचुरल कंडिशनर होते हैं, और तभी आप लोगों को पता भी चलेगा कि इस हेयर मास्क ने आपके बालों पर वर्क किया है या नहीं। तो अब मैं अपने बालों को वॉश करने के बाद फिर आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करती हूँ। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई हॉल वीडियो या ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।